एक समय की बात है, कल्याणी अपने पति मल्हार और सासू माँ अहिल्या के साथ उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहती थी। मल्हार के साथ उसकी शादी के 2 साल बीत चुके थे और अब वो जल्द ही मल्हार के बच्चे की माँ बनने वाली थी, जिसका 7वां महीना चल रहा था। हालांकि कल्याणी ने एक संस्कारी बहू बनकर अपने घर को काफी अच्छे से संभाला हुआ था, पर उसकी सासू माँ कुछ ठीक नहीं थी। वो उन सास में से एक थी जो अपनी बहू के साथ सख्त व्यवहार करती थी। कल्याणी के प्रेग्नेंट होने के बावजूद भी अहिल्या उससे घर का काम करवाती थी। घर का काम ही नहीं बल्कि उनकी अपनी जो भी खेती बाड़ी थी, अहिल्या उसका काम भी कल्याणी से ही करवाती थी। और अगर कल्याणी से काम नहीं हो पाता था तो उससे वो काम करवाने के लिए अहिल्या मारपीट का सहारा तक ले लिया करती थी। फिर भले ही उसकी मारपीट से कल्याणी के पेट में पल रहे बच्चे को ही नुकसान क्यों ना हो जाए। मल्हार की तो सरकारी नौकरी लग गई थी, जिसे घर के बारे में कुछ ज्यादा खबर नहीं पड़ती थी। वो तो सुबह नौकरी के लिए निकल जाता और रात के वक्त ही घर वापस लौटता था। इसी तरह दिन बीतते गए। समय के साथ साथ जालिम सासू माँ के अपनी बेचारी प्रेग्नेंट बहू पर अत्याचार भी बढ़ते जा रहे थे। एक बार तो जब अहिल्या ने कल्याणी से कहा कि आंगन में झाड़ू लगा दो, और कल्याणी ने अपनी सासू माँ से ये कह दिया कि उसके हाथ पैरों में तेज दर्द है, वो झाड़ू नहीं लगा पाएगी, तब अहिल्या ने उसे जानवरों के पानी पीने वाली हौदी में बिठाया और शब्द देते हुए उसके साथ मारपीट करने लगी। तभी अचानक वहाँ मल्हार पहुँचता है और तुरंत अपनी माँ को ये सब करने से रोकता है। ईश्वर की कृपया से मल्हार सही टाइम पर घर पहुंच गया था और उसने कल्याणी की जान बचा ली थी, साथ ही साथ उसके पेट में पल रहे बच्चे की भी। तभी मल्हार गुस्सा होते हुए अपनी माँ से कहता है कि माँ, ये आप क्या कर रही थी? आपका दिमाग तो ठीक है, वो तो आज काम कम था इसलिए मैं जल्दी आ गया, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरे पीठ पीछे घर में क्या होता है। माँ, सचमुच आज आपने जो किया वो बहुत गलत था, आपने एक बार ये तक नहीं सोची वो प्रेग्नेंट है। मुझे तो शर्म आ रही है आपको अपनी माँ कहते हुए। इसी तरह मल्हार तुरंत अपनी पत्नी को बेडरूम में ले जाता है और उसकी देखभाल करने लगता है। तभी अहिल्या रोते हुए अपने बेटे के पास जाती है और कहती है कि मल्हार बेटा, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि आज के बाद से ऐसी हरकत कभी नहीं करूँगी और हमेशा अपनी बहू को अपनी बेटी जैसा ही प्यार दूंगी। मेरे किए कि तुम मुझे जो सजा दोगे वो मुझे कबूल है, बस एक लास्ट मौका दे दो। अपनी माँ को इस तरह से अपने किए पर पछतावा करते देख मल्हार को तरस आ जाता है और वो उसी वक्त अपनी माँ को माफ कर देता है और तीनों एक बार फिर साथ मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये कहानी? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ ही ऐसी और दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।